नमस्कार दोस्तों, आज हम दिखाएंगे आपको दुबई के बाहर का एरिया। जी हाँ, आप बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखे भी होंगे, लेकिन सिर्फ दुबई के अंदर का देखा होगा। लेकिन आज ये आप देख सकते हैं, दुबई का एक तरह से डेजर्ट एरिया है, बाहर का इलाका जिसको बोल सकते हैं। यहाँ पे लगभग ज़्यादातर कंपनियाँ हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, इवनिंग का टाइम हो रहा है। आप देख सकते हैं इवनिंग के समय जो वर्कर हैं किस तरह से कंपनियों की गाड़ियों में आते हैं, किस तरह से अपने मकान की तरफ भागते हैं सामान वगैरह लेते हुए। आप देख सकते हैं ये बड़ा मॉल है, यहाँ पे फ्राइडे के दिन जैसे भी होता है शॉपिंग के टाइम यहाँ पे बड़ी भीड़ होती है। देख सकते हैं आप, इसमें अभी वर्कर आने स्टार्ट हो जाएंगे थोड़ी देर में। कंपनियों की गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा यहाँ पे आती हैं कि भीड़ ज़बरदस्त तरीके से लग जाती है। ये देखो, आप देख सकते हैं ऑन रोड जो सब कंपनियों की गाड़ियाँ हैं, टोटल कंपनियों की गाड़ियाँ हैं। इसमें कंपनियों के वर्कर होते हैं जो कोई 50 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर इस तरह से कंपनियों की साइडों पर जाते हैं। लेकिन इवनिंग के समय अपने मकान की अपने कैंप की तरफ लौटना होता है इनको। आप देख सकते हैं टोटल कंपनियों की गाड़ियाँ, ट्रक वगैरह सब कंपनियों का है। तो आप देखते रहिए वीडियो में, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, भाई फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि गल्फ कंट्री से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो देख सकते हैं अब वर्कर हैं, जो मज़दूर हैं वो आना स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि मॉर्निंग में इनको जल्दी निकलना होता है। 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में सभी मज़दूर वर्कर हैं वो निकल जाते हैं, और शाम 5 बजे होते होते 5 से 7 बजे के बीच में सब वर्करों को आना होता है। ये देख सकते हैं पूरे कंपनी के वर्कर हैं जो कंपनी की ड्रेस में आ रहे हैं, मकान पे जाके ये कपड़े निकाल के अपने नॉर्मल ड्रेस में पहनेंगे। आप देख सकते हैं डांगरी, जिनको बोल सकते हैं अपनी भाषा में, राजस्थानी में डांगरी बोलते हैं भाई, अब हिंदी में और क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। जो कंपनी एकल ड्रेस देती है ऊपर से नीचे तक जूते एक जैसी ड्रेस होती है, उनको डांगरी बोलते हैं राजस्थानी में। जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा है आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है। एक तरफ जैसे दीपावली पे ऐसी रोशनी होती है वैसे दिखाई दे रहा है आपको नज़ारा। ये पूरी लाइटिंग का नज़ारा है, दूर दूर तक लाइटिंग दिखाई दे रही है। काफ़ी एरिया खाली है, फिर भी देखो जैसे जैसे शाम हो रही है नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ होने की वजह से, रोड लाइटों की वजह से अच्छा सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। आगे और भी पूरा व्यू देखने को मिलेगा, काफ़ी वर्कर अभी आने स्टार्ट हुए हैं, आएंगे तो आप पूरा वीडियो देखते रहिए।
आगे देख सकते हैं साथियों, ये कंपनियों की गाड़ियां खड़ी हैं बाहर, पार्किंग इधर ऐसी होती है, लगभग कैंपों के पास में गाड़ियां खड़ी होती हैं ताकि वर्करों को आसानी होती है। ये वर्कर हैं जो यहाँ मॉल से सामान लेके जा रहे हैं, अपने खाने पीने का जो भी होता है। इनका फ़ायदा ये हो जाता है कि यह गाड़ियों से उतरते नहीं, से सामान लेके अपने रूम की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि टाइम इनके पास बहुत कम होता है। 14 घंटे 15 घंटे इनको ड्यूटी में देने होते हैं, इस चक्कर में टाइम बहुत कम बच पाता है। आप देख सकते हैं ये कंपनियों की, टोटल कंपनियों की गाड़ियाँ, अलग अलग कंपनियों के यहाँ पे कैंप बने हुए हैं हॉस्टल टाइप के, इन्हीं में वर्कर रहते हैं। यहीं गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं, वर्कर यहीं से बैठ के वापस काम की तरफ जाते हैं। इस टाइम इतनी यहाँ पे भीड़ होती है इवनिंग के समय, आप देख सकते हैं कि रोड क्रॉस करना भी बड़ा मुश्किल लगता है। इधर आप देख सकते हैं गाड़ियों की लाइन बंधी हुई है, अगर रोड क्रॉस करना चाहे नया बंदा, मेरे जैसे बंदे को बड़ी मुश्किल होती है। यहाँ ये देख सकते हैं टोटल पाकिस्तानी भी इधर लोग वर्कर हैं, इंडियन भी हैं बहुत सारे, जो अपना सामान लेके अपने रूम और कैंपों की तरफ जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है इवनिंग के समय कि बंदा अगर रोड क्रॉस करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। गाड़ियाँ एक पे एक गाड़ियाँ आती हैं, बहुत सैकड़ों गाड़ियाँ इवनिंग के समय आ जाती हैं, लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। ये कोविड चल रहा है फिर भी कंपनियों में, कहने को तो सरकार ये बोल रखी है कि एक गाड़ी में 50 की सीट कैपेसिटी है तो उसको 50% रखिए, लेकिन वो नियम थोड़े कागज़ों में ज़्यादा दिखाई देते हैं, रियलिटी में ऐसा बहुत कम है। आप देख सकते हैं बसें पूरी की पूरी भरी हुई हैं वर्करों से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोविड का। और मुझे भी नहीं लगता भाई मज़दूर लोगों को कोविड नहीं होता, कोविड होता है जो एसी में लोग रहते हैं, ज़्यादा पैसे वाले अपने आप को मानते हैं उनको कोविड होता है। मज़दूर वर्कर हार्ड वर्कर होते हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उनको कोविड होता भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पता ही नहीं लगता कब हुआ कब लगा कब निकल भी गया। आप देख सकते हैं ये सब गाड़ियाँ हैं जो कंपनियों की हैं, एक को बढ़ के एक गाड़ियाँ आ रही हैं इधर इवनिंग के समय में। अंधेरा हो चला है, 7 बजे तक गाड़ियाँ आएंगी, 7:30 भी कई गाड़ियाँ ओवर टाइम के चक्कर में लेट हो जाती हैं। देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है, इंडिया का सा माहौल लग रहा है। देखिए एकदम कच्ची मिट्टी है, मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ती है कि एक अच्छा सा बंदा, ऑफिशियल कोई बंदा हो तो उसको फिर वर्कर में शामिल होना पड़ सकता है, इतनी ज़्यादा मिट्टी धूल उड़ती है यहाँ पे, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा जाती हैं, कच्ची मिट्टी है यहाँ पे, रोड है नहीं, वैसे पक्का है नीचे लेकिन रोड के ऊपर मिट्टी है तो इतना पता नहीं लगता। आप देख सकते हैं ये सेकेंड हैंड जैसी गाड़ियाँ लगती हैं कंपनियों की, लेकिन फिर भी इनमें एसी होता है, क्योंकि आपको पता है भाई यूएई दुबई में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो बिना एसी के तो कोई गाड़ियाँ या वर्कर रह ही नहीं सकते, काम कोई कर ही नहीं सकता। तो मैंने आपको यहाँ का दुबई का दिखाया है लेबरों का इवनिंग का समय। नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही मेरे पास कुछ अच्छी जानकारी होगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।